नवजीवन नर्सिंग होम और गिरिडीह अधिवक्ता संघ द्वारा संयुक्त रूप से गिरिडीह के व्यवहार न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारी अधिवक्ताओं और कर्मियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान अपर न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद प्रकाश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमेंद्र नाथ सिकदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश, न्यायाधीश प्रभारी मोहित चौधरी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नुकांत, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा समेत कई लोग मौजूद थे। आज नवजीवन नर्सिंग होम और जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह ने संयुक्त रूप से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है व्यवहार न्यायालय के कैंपस के अंदर। इस कैंप में जुडिशियल ऑफिसर्स, कोर्ट स्टाफ, हमारे एडवोकेट्स, ये सारे लोग, इन लोगों की निशुल्क जांच की जाएगी, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और फिजिशियन हैं वो अलग अलग जो भी टेस्ट वगैरह होता है वो करवाएंगे। डेंटल कैंप भी है, डेंटल टेस्ट भी होगा। तो ये बेसिकली इसलिए करवाया जा रहा है कि नॉर्मली लोगों को टाइम नहीं मिलता है अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए। जब कुछ प्रॉब्लम होता है तभी लोग सोचते हैं कि मैं अपना हेल्थ चेकअप कराऊं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला अधिवक्ता संघ ने और नवजीवन नर्सिंग होम ने, सिपाका ने मिलकर इस कैंप का को आज ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी इसका उद्घाटन PDJ मैम ने किया है। ये 10 बजे स्टार्ट हो गया है, 2 बजे दिन तक चलेगा। जुडिशियल ऑफिसर्स, स्टाफ्स, सारे लोगों का हेल्थ का चेकअप किया गया है, BP, शुगर, डेंटल, ये सारे तमाम चीज़ों का। हम इसके लिए नवजीवन नर्सिंग होम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने एक अच्छा और नेक काम किया है। आमतौर पर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना सजग नहीं रह पाते, लेकिन इस तरह के जांच से उनकी बहुत बुनियादी जो चीज़ें हैं वो सामने रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।